हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक 28 जुलाई 2019 है, तो चलिए देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स, जिसमें से पहला सवाल है, जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स जो था 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। यानी कि जो जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर अब टैक्स घटाकर 12 से कितना प्रतिशत कर दिया है। तो पहला है 10%, या फिर 8%, या फिर 5, या फिर 3। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो होगा 5%। जो जीएसटी काउंसिल है, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो 12% टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर सिर्फ 5% ही कर दिया है। और जो नया दर होगा ये 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। और साथ ही इलेक्ट्रिक बस किराए से लेने पर, अगर आप इलेक्ट्रिक बस किराया पर लेते हैं तो स्थानीय निकायों को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। यानी कि स्थानीय लोगों को जीएसटी से भी छूट देने का फैसला किया है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जो हाल ही में देश की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर बन गई है। यानी कि ऐसा कौन सा कंपनी है जो हाल ही में सबसे बड़ी टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर बन गई है। तो पहला है वोडाफोन आइडिया, या फिर भारतीय एयरटेल, या फिर रिलायंस जियो, या फिर बीएसएनएल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिलायंस जियो। जो रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की कंपनी है, वो यूजर्स की जो संख्या है वो 33.13 करोड़ हो गई है। और इसके साथ ही जो रिलायंस जियो है, अपने ऑपरेटिंग के जो 3 साल हुआ उसके भीतर ही देश के सबसे बड़ी टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर बन गई है। और वोडाफोन आइडिया की बात किया जाए तो इसका जो यूजर है वो 32 करोड़ है। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो प्रमुख युकिया अमानो का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो प्रमुख थे युकिया अमानो, उनका हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो पहला है 70 वर्ष की आयु में, या फिर 72 वर्ष की आयु में, या फिर 80 वर्ष की आयु में, या फिर 82 वर्ष की आयु में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 72 वर्ष की आयु में। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख युकिया अमानो, उनका हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और वे वर्ष 2009 से संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक थे, और वे 2005 से इस परमाणु निगरानी एजेंसी में जापान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी कि ये वर्ष 2005 से ही इस परमाणु निगरानी एजेंसी में जापान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, हाल ही में खाली जगह में 3 तलाक विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया है। तो पहला है लोकसभा में, या फिर राज्यपाल में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में, या फिर नीति आयोग में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकसभा में। जो हाल ही में लोकसभा में 3 तलाक विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया है। और इस विधेयक में एक साथ जो अचानक 3 तलाक दिए जाते हैं उसे अब अपराध करार दिया गया है, और यह अपराध करने वालों को जेल की भी सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल है, 28 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो पहला है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, या विश्व हेपेटाइटिस दिवस, या फिर ये दोनों दिवस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गा नंबर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई यानी कि जो आज का दिन, ये विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाना, और जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है उसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो विलुप्त होते जो जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना है। उसके बाद छठवां नंबर सवाल है, ई स्पोर्ट का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जो कि है फोर्टनाइट वर्ल्ड कप, यानी कि ये एक वीडियो गेम है, की शुरुआत किस शहर में हुई है। यानी कि इसका शुरुआत जो इवेंट वो किस शहर में हुआ है।
तो पहला है दिल्ली में, या फिर न्यूयॉर्क में, या फिर दुबई में, या फिर कैलिफोर्निया में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क में। जो ई स्पोर्ट या फिर आप ऑनलाइन गेमिंग भी कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्राइज मनी वाला टूर्नामेंट जो कि है फोर्टनाइट वर्ल्ड कप की शुरुआत हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई है। और इस फोर्टनाइट वर्ल्ड कप में करीब 4 करोड़ गेमर्स ने हिस्सा लिया है, यानी कि इस गेम में करीब 4 करोड़ गेमर्स ने हिस्सा लिया है, और जिसमें से जो सिलेक्शन हुआ है सिर्फ 100 ही गेमर को चुना गया है। उसके बाद 7वां नंबर सवाल है, भाजपा विधायक दल के जो नेता बीएस येदुरप्पा ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि जो बीएस येदुरप्पा है वो चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं। तो पहला है केरल राज्य के, या फिर गुजरात राज्य के, या फिर कर्नाटक के, या फिर बिहार के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक के। जो भाजपा विधायक दल के नेता जो बीएस येदुरप्पा हैं वो चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, और उन्हें राज्यपाल जो हैं वाजुभाई वाला ने राजभवन में एक समारोह में शपथ दिलाए हैं। उसके बाद 8वां नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए कार्य करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले किस भारतीय शांति दूत को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो पहला है सार्जेंट रमेश सिंह को, या फिर सार्जेंट विजय शर्मा को, या फिर सार्जेंट संदीप वर्मा को, या फिर सार्जेंट संजय त्यागी को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सार्जेंट रमेश सिंह को। लेबनान में जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए कार्य करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय शांति दूत सार्जेंट रमेश सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। और भारत के जो सर्जेंट रमेश सिंह को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बलों के साथ तैनात किया गया था। उसके बाद 9वां नंबर सवाल है, जो ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने किस देश के जो सजीद जावेद को वित्त मंत्री नियुक्त किया है, यानी कि किस देश के हैं सजीद जावेद। तो पहला है जापान के, या फिर अफगानिस्तान के, या फिर पाकिस्तान के, या फिर भारत के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान के। ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, वो पाकिस्तान के सजीद जावेद को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। और इससे पहले 2018 में जो सजीद जावेद हैं ब्रिटेन के पहले नस्लीय अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले गृह मंत्री बने थे, यानी कि वो पहली बार वर्ष 2018 में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले गृह मंत्री बने थे। उसके बाद लास्ट सवाल है, किस देश के महिला खिलाड़ी जो जिसका नाम है मैग लेनिंग ने T20 का सबसे बड़ा स्कोर 63 गेंद पर 133 रन बनाया है। तो पहला है इंग्लैंड की, या फिर ऑस्ट्रेलिया की, या फिर साउथ अफ्रीका की, या फिर अमेरिका की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की महिला जो कि क्रिकेट टीम की है, मैग लेनिंग ने T20 का सबसे बड़ा स्कोर 63 गेंद पर 133 रन बनाया है, और उन्होंने यह स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ जो इंग्लैंड में हाल ही में हुए एक मैच में बनाया है। उनके बाद जो आती है नीदरलैंड के एस्टेरी कलिस ने T20 में 126 का स्कोर बनाया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज और जॉब न्यूज के लिए हमारे ज्ञान फॉर यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।